Sushma and Manish, your Manish has marked the attendance. Sushma, your attendance is not marked. Okay. Very good evening, everybody. I hope everyone is doing good. Yes, all well on your end? Yes. Okay. Am I audible clearly? Audible, right? Okay. Fine. So last time what we have started with? We have started with work and energy chapter. Yes, उसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा था, हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देखा था, करेक्ट? अलग अलग कौन कौन से फॉर्म में कौन सी एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है. इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने ये देखा था कि थ्रेड और नट वाला एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी, कि एनर्जी किस तरह से किस तरह से कंजर्व होती है, किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, राइट? उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशंस देखे थे. अग्रीड एवरीवन? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसके इक्वेशंस देखे थे. एवरीवन अग्रीड? यस. ओके. अभी हम देखेंगे, अभी इसके आगे बढ़ते हैं. अब जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिलाया जाए, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? कैन यू हियर मी चिल्ड्रन? यस. ओके, ठीक है. अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिलाया जाए, ठीक है, दोनों को ऐड कर लिया जाए, मिलाया जाए, तो वो इक्वेशन क्या बनता है, किस तरह से वो एनर्जी रिएक्ट करती है, किस तरह से एनर्जी कौन से डायरेक्शन में एक्ट करती है, वो हम देखेंगे. ओके, सो हियर वी हैव, ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन. या, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. टेक्स्ट बुक, ठीक है. ओके, सो हियर वी आर. कैन एवरीबडी सी माय टेक्स्ट बुक? एवरीबडी कैन सी, राइट? ठीक है. सो हियर वी आर. यहाँ पे हम एक और टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका नाम है फ्री फॉल. नाउ ये फ्री फॉल होता क्या है? अकॉर्डिंग टू यू इस वर्ड का मतलब क्या है? टेक्स्ट बुक में मत देखो, जस्ट रैंडमली जो भी आपके दिमाग में आए वो बता दो. व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? आप लोग एसएल वर्ल्ड, आप लोग ऐसे सब वाटर किंगडम, ये सारी जगहों पे गए हो, वहां पे पता है एक फ्री फॉल जैसा रहता है एडवेंचर स्पोर्ट. यस क्लास? नहीं गए हो टिकुजनी वाड़ी या फिर ऐसे कहीं पे भी, कोई भी पिकनिक स्पॉट पे गए हो जहाँ पे एडवेंचर्स होते हैं अलग अलग, करेक्ट? तो वहां पे फ्री फॉल करके कुछ होता है. यस, नो, नोबडी? फ्री फॉल करके एक झोपाला जैसा रहता है, झूला जैसा रहता है, ठीक है. अब ये झूले का काम क्या है? इंसान को बांध देते हैं. ओके, झूले को छोड़ दो. इफ यू से अगर आप कहीं पे हिल स्टेशन पे गए हो, लेट्स से आप अगर आप हिमाचल साइड में गए हो, ओके, अगर आप बड़े बड़े हिल स्टेशन माउंटेन्स पे गए हो, तो वहाँ पे फ्री फॉल वाला गेम होता है, एडवेंचर स्पोर्ट होता है, राइट? जो आपके कमर पे रस्सी बांधते हैं, आपको एक जैकेट जैसा पहनाते हैं गले से लेके कमर से लेके पैर तक, और आपको एकदम ऊंची जगह से धक्का मार देते हैं. एंड देन आप ग्रेविटी और हवे के हिस्से से, हवे सॉरी ग्रेविटी और हवे के एक्शन से आप वहां पे फ्री फॉल लटकते रहते हो. इफ यू रिमेम्बर, आपने काफी मूवीज में भी देखा होगा, काफी सारे यूट्यूब वीडियोस में भी देखा होगा, फ्रेंड्स से सुना होगा कि एक धक्का मार देते हैं एंड यू आर ऑल ऑन योर ओन डाउन देयर, ठीक है. आप लटकते रहते हो, वो फ्री फॉल होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्री फॉल. वो तो एडवेंचर वाला फ्री फॉल हुआ. अभी हम देखते हैं ये फ्री फॉल जो हमारे फिजिक्स में है, इसका मतलब क्या है, किस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल का वो चलता है. इफ यू रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट, इट गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स. डू यू अग्री?
कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से धक्का दोगे तो वो अर्थ की ग्रेविटी की ओर खींचा चला जाता है। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग सोलली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेड टू बी फ्री फॉल। अगर ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के सिर्फ एक्शन की वजह से लटक रहा है या चल रहा है या ये हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ फ्री फॉलिंग स्टेज। एंड लेट अस लुक एट द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट एच व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डिफरेंट हाइट्स। अभी हम क्या करेंगे, ये फ्री फॉल जो ऑब्जेक्ट, जी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, इसकी हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जब ये स्टेशनरी होता है ऊपर तो इसकी एनर्जीज क्या कहती है, और जब ये नीचे गिरता है तब इसकी एनर्जी क्या कहती है। हमें एक बात तो पता चल गई, एक हाइट के ऊपर डिपेंड होता है फ्री फॉल और दूसरा उसके मास के ऊपर डिपेंड होता है, कितना मास है उस ऑब्जेक्ट का। डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? यस, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग जगहों पे प्लेस करेंगे या दो अलग अलग जगहों पे रखेंगे। एज शोन इन द फिगर, यहाँ पे पॉइंट ए है एट द हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड। इस ग्राउंड है जो कि सी है, सी से लेके ए तक की हाइट एच है, पूरी की पूरी हाइट जो है ये एच हाइट है। ठीक है, नाउ लेट अस लेट द पॉइंट बी बी एट द डिस्टेंस एक्स। अभी ए से लेके बी पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है, कहीं पे बीच में या बीच से पहले प्लेस किया गया है, वर्टिकली बिलो ए। वर्टिकली बिलो ए मतलब बिल्कुल ए के नीचो नीच प्लेस किया गया है। नाउ लेट द पॉइंट सी बी ऑन द ग्राउंड। बी के नीचे पॉइंट सी ग्राउंड पे रहने दो। ठीक है, डायरेक्टली बिलो ए बी एंड सी, इस तरह से हमें ये पॉइंट को प्लेस करना है कि सबसे हाइटेड जगह पे ए है, मिडिल जगह पे बी है और सबसे लोवेस्ट जगह पे सी है। ठीक है, लेट द पॉइंट सी बी ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली बिलो ए एंड बी। लेट अस कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी। अभी हमें क्या करना है, हमको तीनों ऑब्जेक्ट की एनर्जी को कैलकुलेट करना है। अगर ये पॉइंट ग्राउंड पे है तभी कैलकुलेट करना है, बी पॉइंट पे है तभी कैलकुलेट करना है, और ए पॉइंट पे है तभी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सी से लेके ए तक की हाइट एच है, ए से लेके बी तक की हाइट एक्स है। ठीक है, तो बी से लेके सी की हाइट क्या होगी, द एंटायर एच माइनस एक्स। इज इट करेक्ट, एच माइनस एक्स, समझ में आया कैसे आया? यस क्लास, ये पूरी की पूरी हाइट में से इतनी हाइट निकालो तो आपको बी और सी की हाइट मिल जाएगी। ठीक है, चलो अभी आते हैं सबसे पहली इक्वेशन पे। हम पहला इक्वेशन हमें क्या प्रूव करना है, द ऑब्जेक्ट इज अ स्टेशनरी ए हाइट। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है जो कि स्टेशनरी है, हिल नहीं रहा है, मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, विच इज एट द हाइट ए। एक सेकेंड ना, हाँ तो ये जो हाइट है, द ऑब्जेक्ट इज अ स्टेशनरी हाइट ए, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, जब ये हिल नहीं रहा है, मूव नहीं हो रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 होगी। इज दैट क्लियर? जब हाई ऑब्जेक्ट ए पे है तो u इज इक्वल टू 0 होगी। हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लगा दी इसको पुश करने में, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। बराबर, तो हमारे पास हाफ है, मास m है और u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है u स्क्वायर। जैसे कि u का वैल्यू 0 है तो हमने क्या किया, हाफ इंटू मास इंटू 0 स्क्वायर विल बिकम 0। तो हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है, 0। इज दैट क्लियर सो फार? ठीक है, हमारे पास अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये जब ये ऑब्जेक्ट इधर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी जो स्टोर हुई है वो, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई है वो, और जो फॉलिंग एनर्जी काइनेटिक है वो, दोनों को मिला के टोटल एनर्जी हुई। सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर क्लास? यहां तक सभी को क्लियर है? आगे बढ़ू?
काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास जीरो है और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के हमने निकाली नहीं है, इसलिए MgH है। तो हमारे पास इक्वेशन वन टोटल एनर्जी हो गया MgH। सो फार इट इज क्लियर, इक्वेशन वन क्लियर है सभी को? ठीक है, इक्वेशन टू पे चले। आर वी रेडी टू गो ऑन इक्वेशन नंबर टू? यस क्लास, ओके। सो इक्वेशन नंबर टू क्या कहता है? अगर पहले तो वेलोसिटी इसकी जीरो थी, ये मूव नहीं कर रहा था, इसकी वेलोसिटी जीरो थी। अब लेट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी वी बी व्हेन इट रीचेस द पॉइंट बी। यहां से ऑब्जेक्ट गिर के बी पॉइंट तक आ रहा है, तो हम इसकी वेलोसिटी वी, और बी पॉइंट तक आ रहा है इसलिए वी बी लेंगे, ठीक है, जब ये पॉइंट बी तक पहुंचेगा। फॉलन थ्रू द डिस्टेंस एक्स, ये एक्स डिस्टेंस के बीच में ट्रेवल किया है, ये बी पॉइंट तक आके गिर गया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू जीरो रहेगी क्योंकि शुरुआत में वेलोसिटी हमने दी नहीं थी। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एक्स रहेगा, मतलब हाइट जो इसने डिस्टेंस कवर किया है ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, ये होगा एक्स। और एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से उसको फोर्स अपनी ओर खींचने को मिला है ग्राउंड की ओर, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जी। इतना समझ में आ गया आप लोगों को ये वाला डेटा? यू कहाँ से आया, एस कहाँ से आया, ए कहाँ से आया, एवरीबडी अंडरस्टूड? यू है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, एस है इसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ट्रेवल किया, तो एक्स इसकी हाइट है, तो ये हाइट होगी इसकी एस, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ए होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहाँ से मिला, ग्रेविटेशनल पुल से मिला, तो इसलिए हमने उसको जी रख दिया। अभी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी है। अभी वी स्क्वायर किसको रिप्लेस करेंगे हम, वी बी के साथ। सो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर की वैल्यू जीरो है प्लस टू जी एक्स। सो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एक्स। इतना क्लियर है सभी को ये वाला पार्ट, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एक्स कैसे आया? ठीक है, अब ये तो था इसका ये वाले पार्ट का डिस्टेंस, ये वाले पार्ट का कैलकुलेशन। अभी हम एनर्जीज में इसका कैलकुलेशन करते हैं। सपोज इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम वी स्क्वायर का मतलब ये है इसके लिए, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया वी स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, टू जी एक्स, तो हाफ इज इक्वल टू एम इंटू टू जी एक्स। ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी टू एम जी एक्स। यहां तक सभी को क्लियर है कैसे कैंसिलेशन हुआ है? यस, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन एट बी इज इक्वल टू एच माइनस एक्स। हमने यहाँ पे देखा कि एच माइनस एच में से एक्स निकाला तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बी यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, एम जी इज इक्वल टू एम जी एच, हाइट यहाँ पे एच माइनस एक्स है, ये वाली हाइट, क्योंकि ये पॉइंट बी पे है ना अभी ऑब्जेक्ट, अभी ए से कोई लेना देना नहीं है, अभी हमारा बी और सी के बीच में लेना देना है। तो हमने इसको पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया, MgH, H का मतलब है H माइनस X। क्लियर है इतना सभी को? यस, ओके। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू MgH माइनस MgX, ओके। ये होगी हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, सिर्फ अगर बॉल बी के ऊपर प्लेस्ड है, पर हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, MgH माइनस MgX। तो टोटल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे टोटल एनर्जी होगी MgX प्लस MgH माइनस MgX। ये प्लस और ये माइनस निकल जाएगा, टोटल एनर्जी हमारे पास इक्वेशन नंबर टू में बचेगी MgH। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्लास? यहाँ पे सभी को क्लियर है कैसे आया? हम अभी भी पॉइंट टू पे ही है, हमारा ऑब्जेक्ट अभी भी पॉइंट बी पे ही है, ओके।
आपला जो ऑब्जेक्ट आहे तो अजून सुद्धा आपल्या पॉइंट बी वरच आहे, बी वरून सी वरती अजून आला नाहीये. आपण जे पण काही कॅल्क्युलेशन केलंय ए बी च्या मध्ये आणि बी आणि सी च्या मध्ये विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी कॅल्क्युलेशन केलंय. कॅन वी गो टू इक्वेशन नंबर 3? आर वी ऑल रेडी? येस येस नो नो येस ओके फैंटास्टिक. लेट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी वी सी. अभी सी है ग्राउंड लेवल पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी वी सी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वी सी रहने दो. जब ये ग्राउंड सी नियर पॉइंट सी पहुंचेगा, ग्राउंड लेवल पे नियर पॉइंट सी पहुंचेगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो रहेगी क्योंकि इसको मूवमेंट नहीं मिली है, करेक्ट. फिर इसकी एस जो रहेगी, हाइट रहेगी एच, और एक्सेलरेशन रहेगा ड्यू टू ग्रेविटी जी रहेगा. एस क्या होगा? हाइट एच होगा. क्यों एच होगा हाइट? क्योंकि ए से ट्रेवल करके बी, बी से ट्रेवल करके सी आई है. ये डायरेक्टली बी से सी में नहीं आई है, इससे ए और ए से ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है सी तक का, इसलिए हमने एस इज इक्वल टू हाइट एच रखा है. समझ में आया? अभी हम हमारे फॉर्मूला में इसको रिप्लेस करेंगे. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर है जीरो प्लस टू जी एच. ए का मतलब है जी और एस का मतलब है एच, डिस्प्लेसमेंट. ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक का कितना डिस्प्लेसमेंट किया है. सो फार क्लियर एवरीबडी? यस, किसी को कोई डाउट है यहां तक? क्लास आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. यस नो नो फैंटास्टिक. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ये तो था हमारा, हम भी हमने यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर दिए. रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ये वाला जो है, ये हमको इक्वेशन यहाँ पे मिल गया है. ठीक है, पर अभी भी बाकी, अभी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये वाले ऑब्जेक्ट को सी तक लाने के लिए कैलकुलेट करनी बाकी है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम बी सी स्क्वेयर. तो एम बी सी स्क्वेयर का मतलब क्या है? टू जी एच, टू जी एच, करेक्ट. तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बनी एम जी एच. एट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड एट पॉइंट सी इज एच इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हाइट जो है ऊपर से सीधा नीचे आई है, इसके नीचे और नहीं जा सकती है. इसके लिए हमने यहाँ पे h इज इक्वल टू जीरो कंसिडर की, वेर एट पॉइंट c. एट पॉइंट c हमने h इज इक्वल टू जीरो कंसिडर किया. सो फार इट इज गुड एवरीवन. अभी हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करी, अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच विच इज इक्वल टू जीरो. ओके, therefore total energy is equals to kinetic energy plus potential energy. क्योंकि ये point gravity के point के नजदीक है, ground level पे है, इसलिए हमारे पास total energy क्या होगी? kinetic energy plus potential energy होगी. so total energy is equal to mgh. ये रहा हमारा equation 3. हमारे पास equation 1 है, equation 2 है, equation 3 है. अगर आप तीनों इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे या कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, वी सी दैट टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एट 3 पॉइंट्स, पॉइंट ए, ओके, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. टोटल एनर्जी सेम ही होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स हाइट. इज दिस क्लियर टू एवरीबडी क्लास? किसी को कोई डाउट है यहां तक? नो? ओके, अब हम आते हैं फ्री फॉल के पास. दस एवरी ऑब्जेक्ट हैज पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट द हाइट अबव द ग्राउंड एंड इट कीप्स ऑन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एज ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड. ठीक है, अगर आप पहाड़ पे खड़े हो तो आपकी भी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे होती है जीरो. जैसे जैसे आप पहाड़ से नीचे आते हो वैसे वैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है. ठीक है,
ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे आने के बाद ऑल पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। जितना आप ग्राउंड के नजदीक आओगे उतनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जाएगी। बट एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फॉल द टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जितनी बार वो बॉल या जितनी बार आप नीचे आते हो आपकी एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। टोटल एनर्जी जो होती है काइनेटिक और पोटेंशियल को मिला के वो कॉन्स्टेंट रहती है। इसीलिए आपको तीनों इक्वेशन में अलग अलग पॉइंट पे एम जी एच ही मिला, मास ग्रेविटी और हाइट मिला। देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एम जी एच प्लस जीरो इज इक्वल टू एम जी एच। टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू एम जी एक्स प्लस एम जी एच इंटू एक्स विल बिकम एम जी एच। टोटल एनर्जी एट सी भी सेम हुआ है। सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ दिस एनर्जी वर्क्स फ्री फॉल में। जब भी आप अपनी डेस्टिनेशन से नीचे नीचे आते हो टुवर्ड्स ग्रेविटी आपकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सो फार किसी को कोई पूछना है? लास्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं इस चैप्टर का, दैट इज पावर। एनीबडी वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग? ओके, एनर्जी के बाद आती है बारी पावर की। अगर आप एनर्जी इस्तेमाल करते हो तो आपको पावर के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। कैसे? कैन योर फादर क्लाइम स्टेयर्स एज फास्ट एज यू कैन? क्या अपने पेरेंट्स हमारे जितने फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं? नहीं। विल यू फिल द ओवरहेड टैंक विद द हेल्प ऑफ बकेट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? आप ओवरहेड टैंक को मोटर इलेक्ट्रिक मोटर से भर सकते हो? यस। सपोज राजश्री यश एंड रंजीत हैव टू रीच द टॉप ऑफ अ स्मॉल हिल। राजश्री वेंट बाय अ कार, यश वेंट बाय साइकिलिंग, रंजीत वेंट बाय वॉकिंग। इफ ऑल ऑफ देम चूजेस द सेम पाथ, एक ही रास्ता चूज करते हैं, व्हाट डू यू थिंक हु विल रीच फर्स्ट एंड हु विल रीच लास्ट? आपको मुझे फर्स्ट बताना है, पहले कौन पहुंचेगा राजश्री यश और रंजीत में से? सेम रास्ता देख रहे हैं राजश्री, परफेक्ट। व्हाई? बिकॉज शी इज ट्रेवलिंग बाय कार। और सबसे लास्ट कौन पहुंचेगा? रंजीत, एब्सोल्युटली, बिकॉज ही इज ट्रेवलिंग बाय वॉकिंग। करेक्ट, पाथ इज सेम, पर उसके अंदर जो पावर अप्लाई हुई है या जो फोर्स अप्लाई हुआ है, जो एनर्जी अप्लाई हुई है, वो अलग अलग है। इन द अबव एग्जाम्पल्स द वर्क डन इज द सेम इन द एग्जाम्पल, बट टाइम टेकन टू परफॉर्म द वर्क इज डिफरेंट। हर एक को अलग अलग टाइम लगा है। Each person and each method, the fast or slow rate of the work done, please underline this. The fast or slow rate of the work done is expressed in the terms of power. So what is power? Power is the rate at which work is done, and W amount of work is done in the time taken, which is called as a power. Yes, correct you are, Sushma. Please underline this. The fast or slow rate of work done is expressed in terms of power. Power is the rate at which work is done. If W amount of work is done in the time T, then power is equal to work upon time. Power ka formula kya hai? Work upon time. Is this clear, everyone? Yahan tak sabhi ko clear hai? आगे बढ़े, ठीक है। द एसआईयू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ वर्क जूल। एसआई सिस्टम क्या है? वर्क का जूल है। सो द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड, क्योंकि पावर में टाइम का भी कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ वॉट। द एसआई सिस्टम, प्लीज अंडरलाइन दिस, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड सो द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड, जिसे हम वॉट के नाम से भी जाते हैं। अब वॉट किसने किया, कहां से लाया, वो हम देखेंगे इन साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन के टाइम पे। वन वॉट इज इक्वल टू वन जूल पर सेकेंड, एक जूल काम किया हुआ पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना काम किया है, दैट इज कॉल्ड एज वन वॉट। इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर द यूनिट यूज्ड टू मेजर पावर इज कॉल्ड एज हॉर्स पावर।
जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती है वहां पे मशीन्स होती है, मशीन्स छोड़ दो, आपकी कार ले लो, कार को भी हॉर्स पावर में मेजर किया जाता है, करेक्ट? यस, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वॉट। इसका मतलब एक हॉर्स 746 वॉट तक का पावर जनरेट कर सकता है। द यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हाई इट इज कॉल्ड एज हॉर्स पावर, क्योंकि हॉर्स पावर इज द फास्टेस्ट वे टू मेजर द पावर। द यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर कमर्शियल यूज इज किलोवाट पर आवर। अभी ये वॉट जो है छोटे स्केल पे हो जाता है, अगर आपको बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करनी है, बड़े बड़े मशीनरीज चलाने हैं, तो आप किलोवाट वाला एनर्जी का यूनिट यूज करेंगे। ओके, 1000 जूल वर्क परफॉर्म इन 1 सेकेंड इज 1 किलोवाट पावर। सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स, जो कि इतना बन जाता है अगर आप जूल्स में से कन्वर्ट कर दो तो। 1 किलोवाट पर आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10^6 जूल्स। 10^6 जूल कैसे हुआ? ये पॉइंट को अंदर ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरोस डाल दिए। अंडरस्टूड एवरीबडी द कन्वर्जन रेट? यहां तक किसी को कोई डाउट है? कैन वी गो अहेड? इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ किलोवाट पर आवर। अगर आप इलेक्ट्रिक बिल देखोगे तो आपको वहां पे वॉट और किलोवाट में बिल आएगा, ठीक है? सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 यूनिट। एक यूनिट का मतलब क्या है? 1 किलोवाट पर आवर। एक आवर में आपने 1 किलोवाट का इस्तेमाल किया है इलेक्ट्रिसिटी का। अब ये जो वॉट है, ये किन्होंने दिया, या ये हॉर्स पावर है, ये किसने दिया, ये वाला कॉन्सेप्ट लेट अस इंट्रोड्यूस द साइंटिस्ट। द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड इन 1781 बाय स्कॉटिश साइंटिस्ट नेम्ड एज जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था। 1736 से 1819 तक वो उनका फेस था। दिस इन्वेंशन ब्रॉट अबाउट एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ गया। द यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड एज वॉट इन हिज ऑनर। जेम्स वॉट वॉज अ फर्स्ट पर्सन, ओके, जेम्स वॉट वॉज अ फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म हॉर्स पावर इन द इंडस्ट्री। तो ये जो जेम्स वॉट है, इन्होंने ये पावर का कॉन्सेप्ट हॉर्स पावर में दिया। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो। कैन वी गो टू सॉल्व प्रॉब्लम्स? वर्ड प्रॉब्लम? यस, नो, ओके, यस। यहाँ पे स्वराली टेक्स 20 सेकेंड टू कैरी अ बैग वेइंग 20 kg टू द हाइट ऑफ 5 मीटर। स्वराली 20 सेकेंड्स लेती है 20 kg का बैग 5 मीटर ट्रैवल करने के लिए, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करने के लिए, ठीक है? हाउ मच पावर हैज शी यूज्ड? मास कितना है 20 kg? सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। मास इज 20 kg, हाइट इज 5 मीटर्स, टाइम टेकन इज 40 सेकेंड्स। देयरफॉर फोर्स विच हैज टू बी अप्लाइड बाय स्वराली इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, करेक्ट? दैट इज 20 × 9.8। हमारे पास फोर्स आ गया 196 न्यूटन, तो हमारे पास वर्क का भी आंसर आ जाएगा। वर्क डन बाय स्वराली टू कैरी द बैग टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर इज इक्वल टू W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू हमारे पास है, इसको डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर्स का, इसके साथ मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 980 जूल्स। वर्क का आंसर मिला, फोर्स का आंसर मिला, हमको क्या चाहिए? पावर का आंसर चाहिए। तो पावर का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे क्लास? वर्क अपॉन टाइम। हमारे पास टाइम है 40 सेकेंड्स, तो हमने वर्क का जो आंसर है उसको 40 सेकेंड से डिवाइड किया, मिल गया पावर का आंसर। एवरीबडी अंडरस्टूड? इजी टू अंडरस्टैंड? यस, ओके। ये तो था फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर टू, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 25 वॉट का है, उसको 10 घंटे तक एवरीडे चलाया गया है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम ईच डे?
10 आवर्स एवरी डे चलाया गया है, तो एक दिन में उसने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया होगा? पावर है हमारे पास 25 वॉट का, ओके, इसे हमने कन्वर्ट कर दिया किलोवॉट में। कोई बता सकता है हमने इसे किलोवॉट में कन्वर्ट क्यों किया? टाइम इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, ओके, पर हमने इसको किलोवॉट में कन्वर्ट क्यों किया? बिकॉज आपका टाइम इज एग्जैक्टली, द टाइम इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक इज इन आवर्स, ओके। अगर मिनट्स में होता तो हम वॉट ले लेते, सॉरी सेकेंड्स में होता तो हम वॉट ले लेते, लेकिन हमारा आवर्स में है टाइम, इसलिए हमने इसको किलोवॉट में कन्वर्ट किया। एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, देयरफॉर 0.025 × 10। सो एवरी डे इसने कितना एनर्जी कंज्यूम, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इट हैज कंज्यूम्ड ईच डे? एवरी डे इट हैज कंज्यूम्ड 0.25 kg पर आवर का इलेक्ट्रिसिटी। एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्लास? वी हैव एंडेड आवर चैप्टर एक्सरसाइज। चिल्ड्रन आप एक बार गो थ्रू करना, इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली सॉल्व। किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर के बारे में? यस क्लास, एनीथिंग एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क? ऑल गुड, सो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैम हाउ वॉज द 40 सेकेंड्स कम? 40 सेकेंड्स वॉज ऑलरेडी गिवन, और हमारे पास जो वॉट था ना, वो पावर था, वो वॉट में था, तो वॉट और सेकेंड दोनों भी सेम स्केल पे फॉल होते, इसलिए हमने कन्वर्जन नहीं किया निधि। गॉट इट निधि? आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस, ओके, एनीथिंग एल्स? या जिसको डाउट है वो रहिए, जिसको डाउट नहीं है दे कैन लीव। ऑल द वेरी बेस्ट, वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वेनसडे। या बाय बाय। मनीष एंड सुषमा आपको कुछ पूछना है? ओके,